कैथल के बाल उपवन आश्रम में पल रही एक 3 साल 8 महीने की बच्ची अंजलि को बेल्जियम के एक दंपति ने कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद लिया है। गोद लेने की यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और दोनों देशों की सरकार के सहयोग से हुई है। गोद लेने वाले दंपति निस क्रिस और मार्टिन के पहले 2 बेटे हैं। आइए जरा गोद लेने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए यह बाइट सुन लेते हैं। कारा ऑल इंडिया में संस्था है जो बच्चों को ऑल इंडिया लेवल पे गोद दिलाती है, और कारा के साथ साथ बेल्जियम की एक संस्था है जो गोद लेने में और गोद दिलवाने में सहयोगी होते हैं, सहयोग करते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। ये सारा प्रोसीजर थ्रू कोर्ट हुआ है, थ्रू एम्बेसी हुआ है। बेल्जियम और इंडिया के दोनों की सरकारों के सांझे प्रयास से ये बच्ची गोद गई है। हर 3 महीने के बाद इसका फॉलोअप होगा, और जब वो फॉलोअप होगा तो उसमें सारी जानकारी ली जाएगी। हमने भी मैडम से रिक्वेस्ट की है कि व्हाट्सएप समय समय पर हमें भेजें, हम भी देख सकें। ये हमारी बेटी है, अब हमारी बेटी वहाँ गई है तो इस बात की जिम्मेदारी हमारी भी है कि हम उसका ध्यान रखें। अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और हमारा मानना यह है कि कल से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे, दे आर वेरी हैप्पी। और सबसे बड़ी बात क्या है, हम ये मानते हैं एक लड़का एक लड़की हो गई, फैमिली कंप्लीट हो गई। वो ये कहते हैं कि बिना लड़की के फैमिली कंप्लीट होती नहीं है, इसलिए उन्होंने लड़की को अडॉप्ट किया है। और उनका मानना यह है कि हम इसको जिमनास्टिक करवाएंगे और जिमनास्टिक का प्लेयर बनाएंगे। इनके दोनों बेटे फुटबॉल के प्लेयर हैं, और अगर आप इनकी कोठी की मकान की फोटो देखें तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि हु दे आर। वी फील वेरी हैप्पी हैविंग एंजेली इन आवर फैमिली। नाउ आवर फैमिली इज कंप्लीट, वी कैन गो होम नाउ विद हर। वी थैंक यू वेरी मच here, the people here to take care of her. We were feeling very welcome here and we are very happy with having her now. Thank you. We worked with an adoption agency in Belgium, Ray of Hope, and we knew we always wanted to have an adopted child after having our 2 boys with us, and that's why we chose to for India, and that's how she came in our family. To keep her safe, yeah, in our home. To start, I'm a social worker in Belgium, but I now finished my job for a couple of months so that I have the time to be at home with her every day to take care of her. And she will go to school when she feels like she's ready, and I will go back to my job at the minute that she is ready, that she can go to school. My school or my job starts also. So it's now we first look what is good for her. The reason that we adopted a girl, I have to say, we couldn't say that we want a boy or a girl. We just could say in Belgium you can say that you want to adopt a child. So, and we had to wait for the phone call to come that we knew that we were getting a daughter. But it's complete now. We already had 2 boys, so with our daughter now, it's perfect. It's perfect. अंजलि को गोद देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया जिसकी मुख्य अतिथि कैथल की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तरनजीत कौर थी। समारोह में बाल उपवन समिति के पदाधिकारी और कैथल के गणमान्य लोग उपस्थित थे। अंजलि और उसे गोद लेने वाला परिवार काफी खुश है। समारोह में गोद लेने वाली माँ निस क्रिस ने अपनी भावनाएं कुछ इस प्रकार से प्रकट की। We just wanted to say how thankful we are, how blessed we are with having Anjali now in our family. Now our family is complete thanks to you. Thank you for everybody taking such good care of her. Thank you for your welcome, and this all that everybody comes for us and to see this and making us feel as welcome as you did. Thank you very much.
are going to take very good care of her. We are going to tell her everything about the place here, how good everybody was for her and welcomed us. So thank you very much. Bal Upvan Ashram ki shuruaat 2012 में की गई थी। आश्रम में इस समय 30 बच्चों को आश्रय मिला हुआ है। इसके अलावा स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी के तहत 2 साल से कम उम्र के 10 बच्चे भी आश्रम में पल रहे हैं। इसी परिसर में वृद्ध आश्रम का संचालन भी किया जा रहा है। इस पूरे उपक्रम को समाज और प्रशासन के सहयोग से संचालित किया जाता है। समारोह में मुख्य अतिथि तरनजीत कौर ने आश्रम के बच्चों की प्रतिभा के साथ उनके केयर टेकर अजय से भी सभी का परिचय करवाया। रवि भूषण गर्ग ने आश्रम के शुरू होने की कहानी बताई, आइए जरा सुनते हैं। For these kids, and they made amazing paintings which I feel normal other students also cannot make. And I really congratulate Mr. Ajay, who is doing a wonderful job here. Ma'am, he is here always at the beck and call of the kids, and any time, any problem with the kids, the institution people will come later. But this caretaker, I'll call you owner, he's the one who's always here taking care of the kids. So having Ajay as the caretaker or the owner is a big achievement for the institute. And the students here, kids here are learning so much. The students here have made so many paintings that they have been displayed in the government buildings also. Madam, 2008 में हमने बॉडी शुरू की, तब से चलते चलते 2012 में आगे हमने बाल आश्रम की नींव रखी। भाई इंद्रेश जी ने आदेश दिया कि यहाँ बाल आश्रम बनाया जाए, हमने बाल आश्रम बनाया और इस सभा ने मेरे सिर पे हाथ रखा कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ। उसके बाद साथ और सात का रिजल्ट आज आपके सामने है। माँ बाप ने इस बच्ची को छोड़ दिया होगा शायद ये मानकर कि ये हमारे लिए ठीक नहीं रहेगी, ये माँ बाप की थी, लेकिन भगवान ने माथे में लिख रखा है उस लकीर को अगर नहीं पढ़ोगे तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। बढ़कर 3 साल की हो गई और देखिए मुकंदर हमारे इस फार्म में मैडम सेल्फ एडॉप्टेशन एजेंसी में 11 में से एक जा रही है, 10 बाकी, 10 में 8 लड़कियां और 2 लड़के। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अंजलि की कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दे ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।